अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस कुछ कदम और उसके बाद अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आज आलिया से सारा हिसाब पूरा करेंगे और उसे साफ साफ बता देंगे कि हमें डॉक्टर बाबू की पत्नी और हमें अच्छा नहीं लगता कि उनके पीछे पीछे पड़ी रहती है। मैं एक बात बताओ, तुम हमेशा डॉक्टर बाबू के आसपास काहे मंडराती रहती हो, उनके पीछे काहे पड़ी रहती हो? पीछे तो मैं तेरे पड़ी रहती हूँ और तू चाह कर भी ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आलिया जी, हमें चुनौती मत दीजिए, हम अगर अपनी पे उतर आए तो क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ, जैसे तेरे गांव में तेरी माई को टक्कर मारकर पूरे गांव वालों के सामने तुझे झूठा साबित कर दिया था ना, और फिर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी ना, वैसे ही आज भी तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसी का हिसाब आज पूरा करेंगे। तुम्हें ऐसे धोबी पछाड़ मारेंगे ना कि तुम्हें दिन में भी तारे नजर आएंगे। ये जाते जाते आप किस संकट में डाल रहे हैं गणपति जी? आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी हो गई। आयुष्मान की तो आलिया से शादी होने वाली है ना, ये सब क्या हो रहा है? आयुष्मान अभी तक आया क्यों नहीं? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप पक्का उस गहना से मिलने गए हो ना? अगर घर वालों ने आपको और गहना को एक साथ देख लिया तो क्या होगा, और उनको पता चल गया कि आप दोनों की शादी हो चुकी है तो अगला विसर्जन आपका ही होगा। अब जल्दी वापस आओ यहाँ पे। मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। बाय बाय गहना, अब तो मेरे और आयुष्मान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट। तुम यहाँ कैसे आई? आयुष्मान, तुझे सब पता था लेकिन फिर भी तूने किसी को सच नहीं बोला। पता था मतलब? आपको ही पता है? आज पता चला मुझे, लेकिन तुझे कब से पता था? वो गहना जब जमुना बनके घर आई थी तब पता चला था। इतने वक्त से तुझे पता चला था लेकिन तूने जरूरी नहीं समझा घर में किसी को बताने को। आयुष्मान, आयुष्मान तुम नीचे कैसे चले गए? आयुष्मान तुम ठीक तो हो ना? ए, तुम मेरे ऊपर क्यों पड़ी हो? अरे हम आपके ऊपर नहीं, आप हमारे नीचे पड़े। अरे मैं यहाँ हूँ तो तुम भी कूद जाओगी क्या? तुम क्यों आई हो यहाँ पे?
तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है और कोई सवालों के जवाब नहीं होते है। सीधे मेरे ऊपर गिरने की क्या जरूरत थी, पीठ टूट गई है मेरी। हमें कोई शौक नहीं था आपके ऊपर गिरने का। और कैसा घर है आपका, कहीं भी गड्ढा खोद के रखा है। हम पागल दिखते हैं क्या तुम्हें, हम क्यों गड्ढा खोदेंगे यहाँ पे। हमें क्या पता, शहरी लोगों का दिमाग तो उल्टा ही चलता है। कम से कम चलता तो है, तुम्हारी तरह सो तो नहीं रहे। जागो और देखो कि क्या बोल रही हो तुम। हम बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से, हमें क्या पता। क्या पता, अरे इधर उधर क्या देख रही हो, हटो। ओह गॉड, ये मेरा ही प्लान मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। मैंने गड्ढा खोदा था गहना के लिए, ताकि वो उसके अंदर गिर जाए और आयुष्मान से दूर हो जाए, लेकिन आयुष्मान उसके साथ ही गिर गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आयुष्मान, आयुष्मान, एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ उसे। आयुष्मान का फोन। आयुष्मान का फोन तो यहीं पर है, क्या करूं मैं, बेबी कैसे निकालूं। आयुष्मान, आयुष्मान, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं क्या करूं, क्या करूं। आयुष्मान, हेलो, कोई है, प्लीज हमारी मदद करो, कोई सुन रहा है? हेलो, यहाँ पे अंदर गड्ढे में। ऐसे क्या देख रही हो तुम? वो हम आपको चिल्लाते हुए देख रहे थे, आप कितने अच्छे लगते हैं। आप हम पर हमेशा गुस्सा करते रहते तो हम आपको देख नहीं पाए थे, अभी देख ले। अच्छा, हम यहाँ गड्ढे में फंसे हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, हमें तो गाना सूझ रहा है। हम तुम्हें गड्ढे में बंद हो और गड्ढा मुंह बंद करो अपना। अगर भगवान ने तुम्हारी सुन ली और ये गड्ढा सच में बंद हो गया ना, तो हम कितनी बुरी तरीके से यहाँ फंस जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। ओ हाँ, भगवान जी तो हमें सुनी लेते, इसलिए तो हमें पास पास लाने के लिए नए नए रास्ते बनाते रहते। चुप, और मुझे सोचने दो यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम यहाँ मर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम गए कहाँ। हम समझ सकते हैं, हम तो बस मजाक इसीलिए कर रहे थे ताकि आप परेशान ना हो। और आप हम पर का गुस्सा कर रहे हैं? आप तो यहाँ पहले से ही गिरे हुए थे, वो तो हम बाद में गिरे, और वो भी आपकी दोस्त आलिया जी की वजह से। क्या? और नहीं तो का, और आज तो हम उन्हें आमने सामने बताने ही वाले थे, उनसे पूछने वाले थे कि वो आपके आसपास क्या मंडराते रहते, और इससे पहले कि हम उनके सामने जाते हम ही गड्ढे में गिर गए। और हमें पता है कि उन्होंने ही गड्ढा बनाया होगा हमें गिराने के लिए। तुम सोचती नहीं हो क्या बोलने से पहले? अरे मानता हूँ कि आलिया तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर कुछ भी इल्जाम लगाओ। पहले अपने माई के एक्सीडेंट के लिए तुमने उस पर इल्जाम लगाया, और अब इस गड्ढे में गिर गई हो तो इसका इल्जाम भी उस पर लगा रही हो, ये सही नहीं है। हम ना पहले झूठ बोल रहे थे और ना अब झूठ बोल रहे। उसी ने हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, और उन्होंने ही माना भी है हमारे सामने। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में वापस आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलिया पर कुछ भी इल्जाम लगा। उसने पूरी पंचायत के सामने खुद को सच्चा साबित किया है। पंचायत में जो कुछ भी हुआ था वो झूठ था, सबने जो कुछ भी वीडियो देखी वो झूठी थी। असली वीडियो हमने अपनी आंखों से देखी थी, उसकी हाथ में, उसी ने हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, ऐसे ऐसे हाथ घुमाया था, हमारे झगड़े हुए थे, इतनी जोर जोर से लड़ाई हुई थी हमारी, ऐसी। बोलो मुझे क्या कर रही हो तुम? माफ करना, हम तो बस बता रहे थे कि उसकी और हमारी लड़ाई कैसे हुई थी। देखोगे ना,
वो गुस्से वाली जरूर है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे किसी और को चोट पहुंचे। एक मिनट, आप हम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं जैसे उनकी शादी देवर जी के साथ नहीं आपके साथ हो रही हो। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।